बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा में गए खिलाड़ी हुए परेशान। ट्रेन की जनरल बोगी में खड़े होकर खिलाड़ियों ने किया सफर। कई खिलाड़ियों ने नीचे बैठकर सफर किया है। किसी भी खिलाड़ी का टिकट तक कंफर्म नहीं था। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कई खिलाड़ियों को खासा परेशान होना पड़ा। वो गाड़ी में नीचे बैठकर गए हैं, ट्रेन में बमुश्किल सफर उनका कटा है। किसी भी खिलाड़ी का टिकट कंफर्म नहीं था, ये रायपुर से खबर आ रही है। राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा में ये शामिल होने के लिए सभी खिलाड़ी जा रहे थे, जो कि खासा परेशान होते हुए पहुंचे। ट्रेन के जनरल बोगी में खड़े होकर इन खिलाड़ियों को सफर करने पर मजबूर होना पड़ा है। कई खिलाड़ियों ने तो नीचे बैठकर सफर किया है। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ये खिलाड़ी जा रहे थे। जब हमारे खिलाड़ी ऐसे परेशान होंगे तो फिर अपना परफॉर्मेंस कैसे देंगे। तीरंदाजी स्पर्धा में शामिल होने के लिए इन खिलाड़ियों को जाना था, जो कि सफर में खासे परेशान हुए हैं। और जनरल बोगी में खड़े होकर खिलाड़ियों ने सफर किया, क्योंकि उनके टिकट्स कंफर्म नहीं थे। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ी जा रहे थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं, टिकट तक कंफर्म नहीं है। जी निश्चित रूप से, जिस तरीके से आर्मी शरीफ फेडरेशन की लापरवाही सामने आई है, इस जो जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है वो गोवा में हो रही है, और इसमें खिलाड़ी जो है वो 5 तारीख को राजधानी रायपुर से रवाना हुए हैं, और किसी भी खिलाड़ी की टिकट कंफर्म नहीं हुई। लिहाजा जो खिलाड़ी है, करीबन 25 से 30 खिलाड़ियों का दल जो है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गया हुआ है, और रायपुर से जो है मुंबई, फिर मुंबई से गोवा तक की जो टिकट कंफर्म नहीं होने से खिलाड़ी जो है जनरल बोगी में सफर किए हैं। और निश्चित रूप से अगर फेडरेशन को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही थी तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी, बसों के माध्यम से बच्चों को भेजा जा सकता था, लेकिन फेडरेशन ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो खिलाड़ी है उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब वो पहुंचे वहां पर तो काफी थकान हो चुकी थी, और अगले दिन ही उनको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, और खिलाड़ी जो फेडरेशन की जो कार्य पद्धति है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि खिलाड़ी पहुंचे नहीं, और पहुंचने के दौरान सफर में जिस तरह की दिक्कतें आई हैं, जाहिर तौर पर उनका मनोबल गिरा होगा कि उनकी राज्य की सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जो फेडरेशन है उसने ध्यान नहीं दिया। तो वाकई में खिलाड़ी मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से तो जाहिर तौर पर परेशान हुआ है। स्वप्निल, फेडरेशन की तरफ से कोई बयान आया इस पर? अब देखिए, फेडरेशन के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको व्यवस्था की जानी चाहिए, अगर ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं मिल रही थी तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जानी थी, बसों के माध्यम से बच्चों को, खिलाड़ियों को भेजा जा सकता था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और खिलाड़ी जो है जनरल बोगी में सफर करने को मजबूर हुए, तो निश्चित रूप से इससे जो खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करने गए हैं छत्तीसगढ़ का, काफी तैयारी करके गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रेन के सफर में उनको जो थकान हुई होगी और वहां पहुंचने के बाद स्वप्निल ये दिक्कतें आई होंगी, और एक खिलाड़ी को बहुत मतलब एक अच्छा एम्बियंस की आवश्यकता होती है, तब वो बिल्कुल फ्री होकर खेल पाता है, अपने राज्य का बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।